अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो भाई आपका भाई एक बार फिर आ गया है बाबर की हेटर्स की जलाने समझ तो आप गए होंगे। बाबर आजम ने भाई 10,000 रन जो है वो कंप्लीट कर लिए, वो भी फास्टेस्ट 10,000 रन कम्प्लीट बाय बाबर आजम। और उसमें कौन कौन पीछे रह गए मेरे भाई, सबसे पहले मैं नाम लूंगा विराट कोहली, जो कि विराट कोहली के बहुत फैन है। तो भाई माजरत के साथ, विराट कोहली को ऐसा लगता है कि बाबर आजम पैदा इसलिए हुआ है कि वो विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ता जाए। जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आया तो वो पीछे पड़ गया है विराट कोहली के, क्या विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ने। भाई 23 1000 रन, फिर 2000 रन, 3000 रन, 23 सेंचुरी, पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए विराट कोहली के। और एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी बड़े मार्जिन से भाई, बहुत बड़े मार्जिन से, तकरीबन 38 मैचेस का फर्क है। बाबर आजम ने 271 मैचेस में बना दिए 10,000 रन। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो बला, काली बला भाई क्रिस गेल, उसने जो है 285 मैचेस में बनाए 10,000 रन, तकरीबन 14 मैचेस का फर्क है। और तीसरे नंबर पे है विराट कोहली, जो कि बहुत बड़े लेजेंड है, वो है तीसरे नंबर पे, और चौथे पे वार्नर। तो विराट कोहली और बाबर आजम के जो डिफरेंस है मैचेस का, वो है तकरीबन 38 मैचेस का डिफरेंस। तो जलने वाले जलते रहेंगे, जो बाबर के हेटर है आप उसको हेट करो भाई, जब आप उसको हेट करोगे, जितना हेट करोगे वो इतना आप सबकी बजाएगा, इतने रिकॉर्ड तोड़ेगा, और खास तौर पे कोहली के रिकॉर्ड तोड़ेगा क्योंकि पड़ गया है कोहली के पीछे। तो भाई बाबर आजम ने जो है कमाल कर दिया भाई, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत प्राउड की बात है पाकिस्तान के लिए कि इतने बड़े बड़े लेजेंड विराट कोहली, क्रिस गेल, वार्नर, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। लोग क्या बोलते हैं कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। अबे उल्लू के पट्टो, अगर वो T20 का प्लेयर नहीं है तो वो क्या कर रहा है। सेंचुरीज भी सेकंड उसकी आई है, सेंचुरीज हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो उसने 23 10,000 रन बना दिए, ऐसी बना दी है, वो T20 का प्लेयर नहीं है। 3 साल नंबर 1 पे जो बैट्समैन रहा है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और आप बोल रहे हैं कि वो T20 का प्लेयर नहीं, आप समझते हैं। मुझे लगता है आपको समझ बूझ नहीं है भाई, को जो इस तरह की बात करते हैं क्रिकेट का, आपको ABCD और Z तक कुछ पता ही नहीं है क्रिकेट का। जो बाबर आजम को ऐसा बोलता है भाई, जो धड़ाधड़ रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करता जा रहा है, हमारा सर फखर से बुलंद करता जा रहा है, मेरा सर फखर से बुलंद करता जा रहा है, क्योंकि मैं बाबर आजम का हूँ बहुत बड़ा फैन। तो भाई बाबर आजम ने फिर अगेन कमाल कर दिया। तो बाबर आजम है भाई किंग अकेला, जिसने मचा दिया है क्रिकेट की दुनिया में मेला। क्या बात है यार बाबर आजम, क्या बात है, प्राउड है, प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। इंडिया में भी बहुत फैन है बाबर आजम के, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाबर को हेट करते हैं बिकॉज ऑफ विराट कोहली, क्योंकि वो विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। तो उनको भी थोड़ी जलन होगी मेरे भाई, तो आप देर करते जाए, अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है, और बाबर इसी तरह परफॉर्म करेगा और रिकॉर्ड तोड़ता जाएगा भाई, आप लोग देखते जाओगे और हमें खुश करता जाएगा। वो मुलाकात मुझे अभी तक बाबर की याद है कि जब मैं बाबर से मिला था और मैंने उसके साथ पिक्चर भी खिंचवाई थी, मैं अपनी स्क्रीन पे भी लगाऊंगा, देखिएगा। तो उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा, मैंने बोला मैं आपके लिए फाइट करता हूँ अपने दोस्तों से और बहुत सारे लोगों से। तो उस पर उन्होंने हंसा, हंसते हुए बोला भाई इस तरह फाइट करो मेरे लिए और मेरे लिए दुआ करो। तो बहुत डाउन टू अर्थ और इतनी अच्छी तरीके से मुझसे वो मिले। तो भाई हम आपके लिए लड़ते रहेंगे बाबर आजम, आपके लिए हम बोलते रहेंगे, क्योंकि आप जो है किंग है और आप प्राउड है पाकिस्तान का। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।